कथा थिला कटकरे पावर क्राइसिस उपरे विद्युत विभाग रा संकट उपरे घूर्णी बात्या झड़ हेले प्राकृतिक विपद हेले घंटा घंटा लाइन जाउथला लोक संकट रे पड़ुछंती ओल गुडा का विपरस्त हलानी जति कंज्यूमर छन छेति कि ट्रांसफार्मर पावर वोल्टेज आसुनी तार परिवर्तन हो दरकार एवं सबुट बड़ कथा होची जे मैन पावर दरकार क्राइसिस को मेडिकल पे एक्स्ट्रा मैन फोर्स भी दरकार आपको मुकाबला करिया पे लोक बहुत संकट रे पड़ुछंती जो कंप्लेन जवाब हेले से ऑनलाइन सिस्टम है लोक घंटा घंटा अपेक्षा करिया पड़ी आम जमी आगे पाखे लोकाली जाऊे जे ऑफिस थिला ये सिस्टम रो बड़ संकट है। आज टाटो पावर हेड मानक आम डाक आज पूजा कमिटी शांति कमिटी सीनियर सिटीजन इलेक्टेड कॉर्पोरेटर समस्त के सामिल करछु जे कटक सहर टोटल कवरिंग थ्री असेंबली सेगमेंट जगतपुर लगे आम पूरा फुलनखरा पर्यंत एपटे बिड़ानस टू लगे सेपटे सीआरआर पर्यंत इत्ते बड़ जोन ने ये संकट को मुकाबला करने टाटा पावर गोटे मास्टर प्लान तैयारी करूँ के लोक कंज्यूमर बर्तन मोर दैन 4 लाख कंज्यूमर अच्छे 3.65 लाख मान पाखापाखि 4 लाख कंज्यूमर अच्छा कटक सेन्सी अंडर में आपको गुरुत्व देवाक पड़ो मास्टर प्लान तैयारी करूँ केते खुंटी बर्तमान डैमेज अच्छे रिप्लेसमेंट हम केते ट्रांसफार्मर रिप्लेसमेंट हम पावर जमी अधिक पाइपर लोक लो वोल्टेज ओवरकम हम पावर कट कम लोक संख्या बढ़ो लोकर कम्प्लेन इमिडियेट शुणा ये गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति टाटा पावर नब मास्टर प्लान जरिया कहीं आगे पूर्व पूजा पार्वणी आसी जाऊ मसे दे आम दाबी निश्चित पाखे हाई प्रेसर दौचु जमी 6 मास भितर गोटे बड़ संस्कार कटक सीएमसी अंडर हो पारे टाटा पावर को से बाध्य करू से स्पेशल आरेंजमेंट करू आम मझे मझे समीक्षा करूँ पावर गोटे बड़ भूमिका सीएमसी ताको नियंत्रण कर टाटा पावर जरिया लोक सेवा दे एक आम करने जिते चाप या कम कर राज्य सरकार चाहती रिफर्म करने टाटा पावर को दि जाए टाटा पावर से सर्विस आमको जगह दरकार से आम डाक प्रेस कर सफलता आशा कर चाप या जो से ये अभोग आसंग बसईचु मुझे जो कथ कह अभोग आमर लो भोल्टेज अभोग आम टा दे एसी कनेक्शन हो पार नहीं गरीब लोक पुअरेस्ट पुअर जो स्लम एरिया जाए तार कनेक्शन हो पार नहीं संकट जनक खुंटी दुर्बल अच्छी ये सब समस्या समाधान करेंगे मास्टर प्लान तैयारी करूँ कटक महानगर निगम अंचल 4 लाख पाखापाखी हूँ कंज्यूमर ताक सेवा जगदेप टाटा मास्टर प्लान तैयारी कर 6 मास भितर गोटा बड़ सफलता कटक बासी सो बेसिकली हम लोग आए थे कि कटक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवीजन है सर्कलर अदर इसमें 5 डिवीजन्स हैं करीब करीब हमारा ध्यान इस पर पूरा लगा हुआ है हमारी टीम्स हर जगह है जो हमारा स्ट्रक्चर है सर्कल हेड का डिवीजन हेड का SDO का सेक्शन का और फ्यूज कॉल सेंटर का ये हमने बना रखा है यहाँ पे हमने एडिशनल लोग लगा रखे हैं तो लोगों के पास जो एक काल बैसाखी के टाइम में जो दिक्कतें आई थी वो हमने एक्सप्लेन किया कि हमारी जो पूरी टीम है वो नॉर्मल मेंटेनेंस और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस करती है लेकिन जब काल बैसाखी आता है थोड़ा हमें मैन पावर बढ़ाना पड़ता है तो उसमें कभी कभी दिक्कत आती है कि बहुत ज़्यादा पेड़ अगर गिर गया लगते हैं या कभी कंडक्टर टूटा या पोल टूटा तो हम अपनी प्रोजेक्ट की टीम को भी ऐड करते हैं एडिशनल मैन पावर ऐड करते हैं बट मुझे हर दिन लाइन का जो प्रॉब्लम है 2-3 घंटा रात भर लोग कटक के जो 4 लाख जो रहते हैं सब परेशान हुए सो ये बात मुझे समझ में आ रही है कि प्रॉब्लम है उनके सोल्यूशन हमें ढूंढने पड़ेंगे ज़्यादातर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है वो कैपेक्स के थ्रू हमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे वो हमारे पास प्लान है और उस प्लान को इम्प्लीमेंट करके बीच बीच में इनसे मिलते रहेंगे अपडेट करते रहेंगे सर और एक दूसरी बात है कि जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं उनके ऊपर जो इलीगली जो इंटरनेट की केबल्स वगैरह केबल टीवी के वायर वगैरह वो सब आते हैं ये मैंने देखा है ये एक लीगेसी प्रॉब्लम है जब हमने टेक ओवर किया था तो बहुत सारे कम्युनिकेशन केबल्स अपने आप कुछ लीगल कुछ इलीगल वहाँ पर रख दिए जाते हैं तो इसमें हमारे लाइनमैन को भी ऊपर चढ़ के काम करने में दिक्कत होता है इसको रातों रात निकालना थोड़ा मुश्किल होगा बिकॉज इसके ऊपर टीवी कनेक्शंस हैं इसके ऊपर कम्युनिकेशन केबल्स हैं बट हम उस पर वर्क करेंगे और देखेंगे कि इसका कोई अल्टरनेटिव हो अगर वो हटा सके तो बहुत अच्छी बात फिर भी सर आज जो डिस्कशन हुआ ओवरऑली जो भी प्रॉब्लम जो कॉर्पोरेटर्स वगैरह बताए हैं ये सब का सोल्यूशन हम कितने दिन में फिर भी ऐसा करेंगे सबसे पहले तो जो कुछ होते हैं प्रॉब्लम जो छोटे होते हैं कुछ होते हैं बड़े प्रॉब्लम होते हैं जैसे अगर 33 की भी लाइन का कंडक्टर बदलना हो तो उसके लिए आउटेज लेना पड़ता है
उस आउटेज को लेके कंडक्टर बने पैसा लगता है, जो कि हमारे पास है, पैसे की कमी नहीं, मटेरियल की कमी नहीं, लेकिन उतना टाइम हमें चाहिए। अभी जो समर खत्म हो गया ना, तो हम आराम से आउटेज ले सकते हैं, समर में हम आउटेज भी नहीं ले सकते, बिकॉज फिर वो दिक्कत हो जाती है लोगों को। तो अभी बारिश जैसे जैसे कम होता जाएगा, हमारा कैपिटल नीचे का काम शुरू होगा। गर्मी के महीने में अभी क्या हो रहा है कि एसी का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, फैंस का, कूलर्स का, एसी का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, तो लोड बढ़ रहा है, लोड बढ़ रहा है, नेटवर्क पे स्ट्रेस तो आ रहा है। लेकिन वो जो तार है, जो पहले जो तार था गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा या सिस्टम का, अभी तक वही तार लगा हुआ है, जिसके मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे जगह पर तो हम क्या करते हैं, हम इस सिस्टम को स्टडी करते हैं, जहाँ पे लोड ज्यादा बढ़ रहा है ना, पहले उस तार को बदलने की कोशिश करते हैं, वो ट्रांसफार्मर ऑपरेट करते हैं, बैलेंस करके चला रहे हैं, जो कि अभी दिक्कत हो रहा है। पूरा का पूरा सिस्टम तो रातों रात नहीं होगा मेरे ख्याल से। ये ओईआरसी ने भी अभी 5 साल का अवधि दिया था, 3 साल हो चुका है, 2 साल ऑल है जब हमें पैसे मिल रहे हैं, और काफी फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा की भी आ रही है, तो सपोर्ट पूरा मिल रहा है, जमीन पे एग्जीक्यूशन हमें करना है जल्दी जल्दी, ताकि प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व। हम ये एक उम्मीद रखेंगे कि बहुत जल्दी टाटा इसके ऊपर काम करेगा, और बिल्कुल लोगों का परेशान, पूरी उम्मीद रखिए, और ये आश्वासन है आप सबको कि हमारी टीम इस काम में पूरे दिल से लगी हुई है। हम तकलीफ समझते हैं, गर्मी में क्या तकलीफ होती है, उस समय गर्मी काफ़ी पड़ती है, कोशिश रहेगी कि हम सारे तकलीफ दूर करें। वक्त और पैसा दो चीज़ चाहिए, पैसे की कमी फिलहाल नहीं है, टाइम लगेगा, फेयर सीजन में ही काम होता है, गर्मी में काम नहीं होता और बारिश में काम नहीं होता है। सो हमारा फेयर सीजन सितंबर से फरवरी मार्च तक ज़्यादातर आता है, कोशिश रहेगी कि हम प्लानिंग अच्छी करें, मटेरियल खरीद लें, ताकि ज़्यादा काम हम कर सकें उस छोटे ड्यूरेशन में, 5-6 महीने के लिए, ये हमारी कोशिश रहेगी।